नमस्कार। नुआ सकाळे सबु चासी भाई भणी मानंकु अन्नदातार एक नूतन अध्याय को मु इतिस्मृति आपण मानंकु स्वागत करूछि। एबे आसंत जिबा कार्यक्रम को आउ जानिपा मुख्यांश गुडिक। धान हेउछि एक शस्य, एहा मुख्यतः दक्षिण पूर्व एशिया महादेश रे अधिक भाबे चास करा जाय। धान चास साधारणतः वर्षा ऋतु रे चास करा जाय। धान फसल सबु प्रकार जमि रे चास करा जाय पारिब। साधारणतः ओडिसा रे विभिन्न प्रकार जमि अछि, जेपरी उच्च, मध्यम और खाल जमि। जमि अनुसार बिहन चयन करने को पड़ी था। बिहन चयन किपर करा जाए से ही विषय विशेषज्ञ कौन कही आसतु शुणा। आया कुड़े एकर चास हेसी आर डालुआ भी लेसी आर खरी भी लेसी। डालुआ 10-15 एकर आर खरी 20 एकर। आया मुई सोसाइटी नु फि वर्ष बिहन धान आनसी आर केन धान केनटा ये मुझे जानी ना पारे आर से भितरे केनटा नहीं आकरे भी केनटा खराब भी बार से तेणु करी प्राय जदि नहीं हेरा बोले क्षति पड़स। केन उपाय रे बिहन घिनले आमे क्षति रे ना पड़ू, बिहनटा भी खराब ना पड़े। जदि खराब बाहर जेनते खराब नहीं है बाहर बा से आके जाई पार्मा से बुद्धि आम जानले आके जाई पार्मु। वर्तमान आम खरीफ ऋतु आरंभ होगा जाऊँ, चाषी भाई मैंने बिहन किणाकिणी आरंभ करदे, तेणु एवं मुझे चाषी भाई मानक गोटे कथा कहवाई चाहेबी जे बिहन किणवा समय कौ सब सवधानता आपण मैंने अवलम्बन करवा आवश्यक। प्रथम जिनस तो है आपण गवर्नमेंट सेल्स सेन्टर रू कि किंबा आपण ओएससी टू किणतु किंबा प्राइवेट डिलर टू किणतु किंतु सोसाइटी किणतु जोठु भी किणतु। आपण प्रथम मुझे कहबी जे टीएल बिहन आपण प्रिफर करंतु नाही, आपण सबदा बेले सर्टिफाइड बिहन व्यवहार करंतु। जो दुकान रो भी आपण किंबा जो सोसाइटी रो भी किणुछंती किंबा जोठु भी आपण आणंतु, आपण से किणला बेले को गोटे रसीद सेठु मागी करी नेबे, कना से रसीदटा आपण को पाई इन्सुरेंस। जदि आपण सेटा सर्टिफाइड बिहन होइतिबा ओ रसीद थिबो आपण को पाखरे, जदि आपण बुणिला समय रे जदि किछि गजा हला नाही किंबा किछि प्रॉब्लम बाहल्ला, आपण तेणु बिहन को नेकि प्रथम से किसी सैंपल बाहर करी घरे गजा परीक्षा करनी, जदि से मिसा थी किंबा आपणकर इम्प्यूरीटी बेसी थी किंबा से कौन कारण गजा हो आपण से रसीद आउर जो फलक लगी कि आप कम्प्लेन देवे तेल आपड़ जी बिहन किणी थे आप समस्त बिहन पुणी सरकार फेरी पाइबे, तेणु आपण मान क्षति हे ना। तेणु आपण जिते बड़े भी किणुंच रसीद नाबाटा आवश्यक, तांगे आप जो बेग्रे जो फलक लगी संग्रह करके रखिए गजा परीक्षा कलापर जा जमि में बुणे। द्वितीय कही रखी जो आप टीएल बिहन जब व्यवहार कर फैसिलिटी आपर ना, तेणु टीएल बिहन कि पूर्वर आपण जदि भी किणुं ताहले से संपृक्त डीलर बा आपणकर जोठु एजेंसी टू किणुंच तांकठु गोटे रसीद नाबा आवश्यक, कहना जो कंपनी ताकू सप्लाय करथिव बिहनर ये हिसाब से आपणकर नियम हिसाब से आपण तांकू क्लेम करिपारिबे जे ई बिहनटा मु आपणकठु नैथिली एटा आपणकर गजा हलानी किंबा एटा आपणकर खराब होगला किंबा खराब बिहन जाइथिला, ताहले आपण भविष्यत रे सेटा कंपनसेशन पाई पारिबे। तेणु छोट छोट जिनिष गुड़ाक आपको टी सावधानता अवलम्बन करने को पड़ो। बिहनटा जो किणिक मेलारे खरारे पकातु ना, छाई जगार घरे रखत जो जगार टी पवन जास करुले बिहनटा नष्ट होनी, पाने से जमी न भिजि हठात बर्षा हो जाए आप बाहर रखि थे भिजिजी तेल धानटा गजा होकरी आपणकर जमी को गला बेलू से नष्ट हो जात। द्वितीय जिते बड़े आप जमीर ताकू पलाघारी पकाउं आप जर्मिनेसन तलीघर प्रस्तुत करते कौन करिबे ना, आपण बहुत लोक मु देखे चासी भाई माने बस्ता सहित नहीं कि केनाल पानी रे किंबा घरे पानी भितरे बुड़े दियंती, सेटा गोटे रॉन्ग प्रोसीजर एक्चुअली। सेटा हेले कौन हुए कि ना सबु जाक बिहन को उपयुक्त परिमाण रे पानी जाई पारे नहीं, किसी जगह से माने ऑक्सीजन सफिशिएंट मात्रा रे जाई पारे नहीं, जहाद्वारा किसी बिहन नष्ट हो जाए, किसी बिहन आग गजा हो जाए, किसी बिहन पर गजा हुए। तेणु सदा बेले बस्ताटा को खोलिकी आपण ताकू पानी रे भिजेकी आपण तळीघरा प्रस्तुत कले आपण मानकर ठीक हिसाब से पल्ला पाई पारिबे आउ आपण किसी क्षति हेनी।
तेणु देखिए आउ गोटे जिनस जदि आप बिहन किणुंट से रोग पोक लगि नदी बाहर बिहन उपर पोक बुलूँचर आपणकर गुंड हो जाणी से बस्तार पोक लगी जाइए ध्यान रखिए जिते दोकान किणुंटा को आखि आगे रखिक ने छोट छोट जिनस प्रति जब चाषी भाई मैंने ध्यान देते हैं जो बिहन किणिकी नौ भल बिहन पापर और आप चाष जमी में बुला बेलू कौन प्रकार असुविधा हम एवं गोटे छोटिया विरतिर समय विरती परे रही बजार में मिलूबा विभिन्न प्रकार फूल मध्य सेवती फूल टिके नियारा आम राज्यर जलवायु शीत ऋतु सेवती फूल चाष भल होता है। फूल अनेक प्रकार मिश्रित रंग में मिलूबार तथा सुगंधयुक्त हो समस्त आदर पात्र चाषी भाई मैंने सेवती फूल उन्नत चाष विषय आसतु जाणवा वैज्ञानिक सुश्री चौधरी ठार सेवती फूलर बजार में चाहिदा अधिक यार रंग अधिक आकर्षणीय एवं यह अधिक दिन पर्यंत सतेज रहुथिबारु सेवती फूल बजार रे सर्वदा आदृत होइथे। सेवतीर किसम गुड़िक विभिन्न प्रकार रही बड़ फूलर किसम गुड़िक होची स्नोबॉल चंद्रमा सोनार बांगला इत्यादि एवं छोट फूलर किसम गुड़िक इंदिरा पूर्णिमा शांति इत्यादि एवं रप्तानी निमन्ते जो सेवती फूलर किसम गुड़िक व्यवहार हुए सेगुड़िक हला आर्का रवि आर्का स्वर्ण रवि किरण आर्का गोल्ड इत्यादि एवं यही सेवती फूलर वंश विस्तार साधारणतः कटा डाल द्वारा किंबा चेर निकटर जो पुआ बाहर से होता तेणु चाषी भाई मैंने जदि निजे सेवती चाष करुंटे गोटे जगार लगे से जो चेर पाखर जो पुआ बाहर ताकू जून जुलाई मसरे यही पुआ को माँ गचर अलग कर नर्सरी बेड्रे लगाई पारे किंतु कटा कलमी द्वारा वंश विस्तार करने अपेक्षाकृत सहज से माँ गचर अगभागर 4-6 सेंटीमीटर लंबर डाल काटी ताकू उदा बाली पोतवा आवश्यक एवं पोतवा पूर्वर चेर बाहर निम्ते जो हार्मोन अच्छी रुटेक्स बा सेराडेक्स यही डालगुड़ी को बुड़ाई ताकू उदा बाली बा नर्सरी बेड्रे पोतवा द्वारा 15-20 दिन भितर नुआ गच्छ तैयारी होता है। साधारणतः मंजी द्वारा वंश विस्तार हुए ना किंतु केतेक छोट किसम जो सेवती अच्छी से मंजी द्वारा गच्छ तैयारी होता है। एथिपाई फूलटी को गच्छरे सुखिला पर्यंत छाड़ीदे आवश्यक सुखिला परे फूलटी को संग्रह करी भल भाव खरारे मंजीगुड़ी को संग्रह करा जाए एवं संग्रह परे ताकू भल भाव पाछुड़ी सफा करी पॉलीथिन बैग रे पुराई रखा जाए कटा कलमी द्वारा किंबा पुआ द्वारा वंश विस्तार करने अति सहज। यहाँ जेतेबेले सेवती फूल जमी रे लगाइबे जमीटी को भल भाव गुंड चाष करी माटी को फसफसिया करदे उचित एवं ग्लाडियोलस परी जमीटी को छोट छोट पटाली रे विभक्त करवा आवश्यक गोटे पटाली रा लंबा 10 मीटर एवं चौड़ा 1.5 मीटर होबा उचित। यहाद्वारा सेवती गछर जत्न अति सहजरे नहीं हुए। यहाँ गच्छ पिछा 1-2 झुड़ी गोबर खत एवं 50 ग्राम जैविक खत आकु प्रयोग करिबा उचित एवं 25 ग्राम पटाश सार दे गच्छटी को लगाइबा उचित। यहाँ जेतेबेले गच्छटी 30-40 दिन होइजिब एकर प्रति 30 केजी जबक्षारजान 40 केजी फस्फरस एवं 60 केजी पटाश सार देबा उचित। एहिपरि गछटीरे आउ थरे बगीचारे कोड़ा खोसा करिबा परे आउ थरे 30 केजी जबक्षारजान सार प्रयोग करिबा उचित। सेहिपरि जदि सेवती गछरे अणुसार प्रयोग करा जाए मिश्रित अणुसार जो बजार रे मिले ताकू मध्य प्रयोग करिहेबो किंबा 10 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट 10 ग्राम मांगानीज सल्फेट एवं 5 ग्राम बोराक्स मिसाई प्रति गछमूल देवा उचित। एहा छड़ा जदि तरल सार अर्थात यूरिया 10 ग्राम गोटे लिटर पानी रे मिसाई सेवती गछरे जदि स्प्रे करा जिवो ताहले गछगुड़िक सतेज देखा जिवा संगे संगे गछरे अधिक फूल आसी परिवो। आउ गोटे जैविक खत जदि चाषी भाई माने सेवती गछरे प्रयोग करिवे तेबे अधिक दिन पर्यंत फूल आसिवो एवं फूलर मान वृद्धि पाइबो अर्थात फूलगुड़िक अपेक्षाकृत बड़ हेबा संगे संगे फूलगुड़िकर अधिक पाखुड़ा आसिबो सेणु एही तरल सार सर्वदा प्रयोग करिबा उचित। सेथिपई 10 केजी गोबर खत को
20 ग्राम यूरिया सहित मिसाई 100 लिटर पानी रे गोटे द्रवण प्रस्तुत करिवे। एहाकु 7 रु 8 दिन पर्यंत सढीबा पई छाडी देबे। एहा परे एहाकु भल भाबरे मसरी कनारे छाणी प्रति गच्छ पिछा 1 लिटर लेखाए प्रयोग करिबा उचित। प्रति गच्छ जदि गोटे जागा रे लागिसि ताहाले एहा 3 रु 4 वर्ष पर्यंत लाभजनक अमल देथाय। सेथि पई सेवती गच्छ रे कांड छांड करिबा निहाति आवश्यक। कांड छांड करिबा द्वारा रोगखिया बा पोकखिया डाळगुडी को बाहर कर दिया जाए एवं गच्छटी जीवंत होई अधिक दिन पर्यंत रहिथे। व्यवसायिक भितरे चास करिबार अछि तबे फूल गच्छगुडी को बांगरा रखिबा आवश्यक एवं गच्छरु अधिक फूल अमल पाइबा पई गच्छगुडी को सर्वदा जतेबेले 30 दिन रहि जीव कांड छांड करिबा आवश्यक। अग डाळटी को बारंबार छिंडाई देबा द्वारा गच्छटी रे अधिक शाखा प्रशाखा आसीथाय एवं गच्छटी झंकालिया होई बढ़े एवं प्रत्येक डाळरे अधिक संख्यक फूल बाहरी थाय। एही प्रकार रे जदि चासी भाई माने खत सार परिचालना करिवे एवं ठीक किसम लगाइबे जमीरे एवं कांड छांड ठीक समय रे करिवे ताले एकर प्रति हाराहारी 60 रु 80 क्विंटल पर्यंत अमल पाई परिवे एवं प्रथम वर्ष प्राय 40,000 टंका पर्यंत लाभ मिलिथाय। द्वितीय तृतीय वर्ष 60 रु 80,000 गोटे एकर जमीरु मिलिथाय। एबे गोटे छोटिया बिरतीर समय बिरती परे रहिछि। दर्शक बंधु कंद जातीय जेते सब फसल रहिछि सेगुडीक मध्यरु सारु खंब आळु कंदमूळर चाहिदा आम राज्यरे अधिक। ताहाले चासीकु चाष आरंभरु ही उन्नत चाष ज्ञान कौशल प्रति दृष्टि देबा दरकार। सारु फसलरे खत सार रोगपोक परिचालना ओ अमल एही विषयरे जाजपुर जिल्लार कृषि विज्ञान केन्द्रर पनीपरिबा विभाग विशेषज्ञ शिवप्रसाद मिश्र कण परामर्श दैछन्ति आसंतु जानिबा। जनरली चासी बहुत बड़ भूल करे से जानी पारे नि को सारटा केते बळे दबो। मो ए प्रोग्राम माध्यम रे चासी भाई भणी मानको कहया पई चाहूची जे कि जेते बळे मूळ जेते बळे जमी प्रिपेयर होची जेते बळे आमे खत पकोउचे जेते बळे ट्राइकोडर्मा भेरिडे दोउचे कि ट्राइकोडर्मा हाजानियम पकोउचे जोटा के आपनकर बायोपेस्टिसाइड पकोउचे सेही समय रे आपनकर 150 केजी सिंगल सुपर फास्फेट खाली ही दिया जिवो। से समय रे आमे यूरिया कि सोना कि पोटास दबा नाही। आउ ये जितेबाला गच्छ 20-25 दिन होगा से समय आम गोटे कोड़ा खुसा करवा कहीं 20-25 दिन टी घास सब उठी जाइए जेहतु पा मड़े आम सार गजा होगापी कि पा मड़ापी पड़ो से समय आमको टी कोड़ा खुसा करदे 20-25 दिन में कोड़ा खुसा करके आपणकर आम हूँ जोटा मानने आप 64 केजी सोना सार आउ हूँ आपंकर 30 केजी पटाश सार दबा। जदि चासी सोना सार बा कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट पाईपना ताल से केस रे से आपणकर 35 केजी यूरिया सार 30 केजी पटाश सार गोटे एकर को दबो सेटा 30 दिन दब ठीक। तापर जो गच 60 दिन रोचे ठीक 30 दिन पर गच लगेबार 60 दिन फास्ट सार दबार 30 दिन पर सेकेंड सार दिह 60 दिन में आम से 64 केजी सोना सार 30 केजी पटाश सार दबा। जदि सोना सार न मिलूची ताल आमको 35 केजी यूरिया सार देवाई पड़ो। यहीटा हूँ आपंकर सार परिचालना जदि एतिक चाषी देखुची तेल निश्चिंत भाव में अमल 6-8 टन जाए से पाइपर यहीटा जो रहा आपणकर आमको जल परिचालना करवा दरकार। सारू जेनेली अधिका जल टिके दरकार करथाय से कि आमको माटीर कंडीशन देखिकी माने जल देवाई पा मड़ापी पड़ो। आउ जो सेयार रे आमे पानी मड़ेबा सेटा आपणकर 7-8 दिन रे पागो को देखिक खरा दिन जदि होउची आपण आमे 5-6 दिन रे मड़ेबा। वर्षा दिन रे तो सारू रे पानी मड़ेबा दरकार नाही। आपणकर शीत दिन जदि सारू लगाउचे आमे 10-12 दिन भितरे पानी मड़ेबा दरकार। यहाँ हूँ आपणकर रहा पानी परिचालना रहा। आउ गोटे कथा आपड़ देखिए कि सारे रोग पोक परिचालना केमी करवा सारे जेनेली बेस रोग पोक किसी बेस लगती कि सारे गोटे पत्रपोड़ा रोग हुए जोटा को लिप लाइट कहुए। ये जो लिप लाइटा जितेबाला होती गोटे कबक जनित रोग होतीपाई चाषी मानक कही जितेबाला आम जमी प्रिपेयर करूचे से समय ट्राइकोडर्मा आमको 4 केजी गोटे एकर में व्यवहार करवा दरकार। टाइकोडर्माटा गोटे पाउडर हिसाब से मिलू जोटा बजार रे चाषी मैंने जाणवा दरकार। बायोडर्मा बायोगार्ड ना आसूसी यू जिनसा आपणकर रहा नचे आपणकर गोटे फोन मानने फिम्पी मिलू जोटा बिभरिया ना मिलू आपणकर बायोरीन ना मिलू कि बायोपायर ना मिलू आपको आम 2 ml गोटे लिटर पानी में मिसाई स्प्रे कर जमी जो प्रस्तुत करुचे 4 केजी हिसाब से एकर को स्प्रे करी चाषी ये दुटा जिनस किसी पाने से रिडोमिल है कि रिडोमिल गोल्ड है कि सुफेया गोल्ड है
कि कर्जेट है कि मास्टर है ये जो जिनस मिलूँ आपणकर जो फंजीसाइड मिलूँ कार्बेंडेजिम मांकोजेबर मिक्सर मिलूँ कि खाली भी चाषी जदि से पाऊन ये जो जिनस कहली इंडोफिलियम 45 है टाटाएम 45 है कि डिथेनियम 45 है आपको 2 ml गोटे लिटर पानी जदि मिसेकि स्प्रे कर पत्रपोड़ा रोगटा कंट्रोल हो जापर सारूर मुख्य रोग हूँ गोटे रोग जोटाक पत्रपोड़ा रोग आउ गोटे जेनेली केते केस रे सारूरे आपणकर गेंडा लगी था गेंडा कौन करते पत्रटा काटि पकाती पत्रटा कणा कर पकाती से केस आमको मालाथियन जदि आम 2 ml गोटे लिटर पानी रे स्प्रे करवा कि नोभान जोटा डीडीवीपी नाँ आसू 2 ml गोटे लिटर पानी मिसिक स्प्रे करवा ये आम कंट्रोल हो जापर आज अन्नदाता आपण सेवा सोपान में क्या प्रश्न उत्तर रही आसतु जानवा आज अन्नदाता कार्यक्रम निःशुल्क फोन सेवा मध्यम रायगढ़ जिलार पदमपुर ग्रामर चाषी भवानी शंकर दास से वैज्ञानिक पद्धति से सबुज सार चाष किपरि करा जाए से विषय में किसी तथ्य जानवाक चाहते आसतु जानवा आम प्रस्तुति आजिकाली चाषी भाई मैंने विभिन्न किसम उन्नत बिहन अधिक अमलक्षम बिहन ता संगे संगे विभिन्न किसम सार अणुसार एवं कीटनाशक औषध मध्य व्यवहार करछन जहाँ फल उत्पादन बढ़ी सत किंतु माटीर स्वास्थ्य उपर अधिक गुरुत्व देवा कथा जहाँ फल आम अधिक अमल जोटा पाइबा से स्थायी तार स्थायित्व रही अमलटा आम बेसी दिन भल अमलटे पाई तेणु आजिकल देखा जाम ओडार हाराहारी 70% मटी अम्ल अम्ल मटी जिते सार दे गछ भल बढ़े ना एवं जो सारटी गछ को उपलब्ध हवा कथा ताइपे ना जीवाणु मैंने सक्रिय अंश ग्रहण करते ना तेणु चाषी भाई मैंने विशेषकर अम्ल एवं खारी मटी विशेष भाव में जत्न नवा कथा जहाँफल विशोधन करापर जी आम चाषट गए लगे से निश्चित भाव में भल उपदान पाया खारी मटी हेले जिप्सम अम्ल मटी हेले आम चून किंबा कागज कल मेला विशोधन करसतु जाणी जे आमर जोटा सबुज सार हिसाब से आम विभिन्न किसम फसल व्यवहार कराकि सबुज सार सबुज अवस्था आम मटे मिसाई थाउर धनीचा अन्यतम यह सहित आम बरगुड़ी तेज धनीचा विषय आम संक्षेप जानवाक धनीचा मंजी आम साधारणतः सबुज सार हिसाब से व्यवहार कराकि भल भाव पची थाएं मटी में मिशि थाए एवं परवर्ती समय यह सबुज सार हिसाब से आवश्यक परिमाण जीवाणु मान से मटी मध्य बढ़ी पारती जहाँकि फसल भल अमल दे था तेज यही आम धनीचा चाष करने प्रथम आम भल बिहनटे निर्वाचन करवाक पड़ो एवं धनीचा बिहन हाराहारी आम सबुज सार हिसाब से व्यवहार करवाक एकर को आम 10 kg हिसाब से बुणा दरकार छटा बुणा करवा दरकार यार 45-50 दिन जो फूल आसवा आरंभ होता है जो कांडटी नरमिया थाए से ही समय जी आम भल भाव में मटे मिसेदेबा और तार हाराहारी 6-7 दिन पर आम जी धान फसल अन्न्य कौन सी फसल करवा तेरे निश्चित भाव आम खारी जमीर विशोधन होता है यूरु जहाँ सबुज हाराहारी 8-12 tons आम सबुज सर एकर को पाई जहाँकि से ही फसल सांगे सांगे परवर्ती फसल को मध्य विशेष भाव में जबखार जान सार मध्य मटी को भल भाव विशोधन करें तेब ये धनीचा बुणा को हेले ढीप जमी कि आमर माल बा बेना जमी जो साधारणतः आम बर्षा दिने जदि करणीचा फसल बेसी सुफल मिलता है यह बुणी सारापर हाराहारी 45-50 दिन बेलू जो कांडटी नरमिया थाए फूल आसवा आरंभ होता है से ही समय जदि आम यहाँ भल भाव में मटी कंचा हिसाब से जब मटी भल भाव मिसेदे पारिबा एवं यार 6-7 दिन पर आम जब धान फसलटे रोईबा ताहले निश्चित भाव भल अमल मिलता है परीक्षार देखा जाइए आमर हाराहारी 2 tons एकर प्रति धनीचा गछ को जब आम भल भाव मटी मिसेदे पारिबा एवं यार 6-7 दिन पर जदि आम जेकोसी प्रकार धान फसलटे करवा हाराहारी 3 tons जिप्सम सार सांगे देवा सांगे सबांग एवं एथरु आमे ख्यारी ख्यारित्व दूर हो माटी विशोधित होता है आम जेकोसी सार दौ ताजे गछ ग्रहण करें तो आम बर्षा दिन में जेहेतु भल भाव यह मटी मिशि थाए हाराहारी अमल अधिका दे था यह बाद हाराहारी एकर को 8-12 tons मध्य सबुज सार हिसाब से आम पाई जहाँकि
সেই ধান ফসল সাগে সাগে পরবর্তী ফসলের মধ্যে তার গুণত্ব এবং মানত্ব বজায় রাখি থাকে, যা ফলরে আমি দেখিবা যে আমার সারর আবশ্যকতা মধ্যে কম পড়ি থাকে এবং যে ফসলটি আমি উতারি থাও তার স্থায়িত্ব মধ্যে রই থাকে। যে আমি যেতবেলে খরিফ ঋতুরে ধান বুড়ামুড়ি করে থাকি, তা আগুর আমি যেতবেলে খরাটিয়া চাষটি করিথিবা তাহলে এথিরু ভালো সুফল পাই থাও, কারণ যেতবেলে আমার যে কোনসি ফসল হারাহারি এপ্রিল মে মাসের অমল হয়ে সারা পরে চাষী ভাই মানে তাঙ্ক ক্ষেতরে সেমিতি ছাড়ি দিয়ে থাকে, যা কি পরবর্তী পুঁ বর্ষা আসিলা পরে সে চাষবাস করে থাকে। কিন্তু মোর গোটে বিশেষ অনুরোধ দেও, চাষী ভাই মানে আমার বর্ষা দিনিয়া যে কোনসি ফসল করুছেন সে নিশ্চিত ভাবে খরাটিয়া চাষটে করবে। খরাটিয়া চাষ কহিলে সাধারণত আমি আগুরু বর্ষা ঋতু আগুরু যে ফসলটি আমি করে থাকি তার চেরমূলি সব রই থাকে, পরবর্তী ফসল যেতে আমি করে থাকি সেতিরে সেমানে আক্রান্ত করে থাকে। তেমন চাষী ভাই মানে মনে রাখা উচিত যে যেকোনসি ফসল করতু না কী, খরাটিয়া চাষ করি আমি যেকোনসি ফসল থাও না কী, আমার যেতবে মে মাসের আমি দুই কাস চাষ জমি কু ভালোভাবে চাষ করি মই দিয়ে চাউ তা ছাড়িদেবা, যেতবে প্রথমে ঘড়ঘড়ি চড়চড়ি সহিত আমার বর্ষা পা আসে মৌসুমী আগুর সেথিরে মধ্যে আমার বায়ুমণ্ডলে থাকা আবশ্যক পরিমাণে যবক্ষারিজান সার মধ্যে পাড়ে দ্রবীভূত হয়ে আমার জমি কু আসি থাকে। এহা ছড়া জমিরে লুচি রই বিভিন্ন কিসমের রোগর শুক পোক ছোট ছোট তাঁর অণু জীবাণু সবু সেমানে মধ্যে মাটি উপরক আসি প্রচণ্ড রৌদ্র তাপরে বংশবিদ্ধার করার সেমানে সুবিধা পাই নথান্তি। খরাটিয়া চাষ করার ফলরে হিড় গুড়িক মধ্যে সফা হয়ে যাই থাকে, হিড় মধ্যে ঘাসমূলি মধ্যে যে রোগ পোক জীবাণু রহবা সুবিধা পাই থাকে সেমানে মধ্যে প্রচণ্ড রৌদ্র তাপ সহি নপারি অনেকাংশে মরি যাই থাকে কিংবা বংশবিদ্ধার করা তাঁর অসুবিধা হয়ে থাকে। এহা বাদ আমি যেতবে ধনীচাটি চাষটি করছু সবুজ সার হিসাবে, এ তো আমার যেটি পা অছি সেটি ধনীচা চাষ ভালোভাবে আমি বর্ষা দিনে তাকে ভালোভাবে মাটি মিশাই পারিবা। কিন্তু সাধারণত হুড়া জমিরে বা মাল জমিরে আমি যদি গ্লাইসিরিডিয়া আমি চাষ করিথিবা গছ গুড়িক পাঁচ ছ মাস আগুর লগাইথিবা এবং বর্ষা আরম্ভ আগুরু আমি কেবল তার উপর অংশ কঁড়িয়া অংশ গুড়িক যদি আমি মানে ৬-৭ মিটর তাকে হুড়ারে জল লগাইবাকে হুয়ে এবং এই হুড়ারে লগাই সারা পরে বর্ষা যেত মৌসুমী প্রথম বর্ষা মৌসুমী আসবার যেত লক্ষণ আসে সেতবে যদি আমি এখন কাটি আমার জমিরে যদি দিয়েদা এ সবুজ সার হিসাবে ভালোভাবে কাম করে থাকে। এহা বাদ আমি বরগুড়ি মধ্যে ভালোভাবে আমি যদি চাষ করা সেই ৪০-৪৫ দিন বেড়ে যেত ফুল আসবে আরম্ভ হুয়ে সেতবে মধ্যে আমি তাকে ভালোভাবে মিশাই দিয়েপারা, যা ফলে সবুজ সার সাঙ্গক মাটির বিশোধিত হয়ে থাকে এবং আমি এদ্বারা আমি সবুজ খত মধ্যে পাই থাকি হারাহারি যেটা আমি ৫-৬ টন একর প্রতি আমি সবুজ সার হিসাবে তাকে ব্যবহার করে এবং মাটির বিশোধন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পরবর্তী ফসল কু মধ্যে ভালো অমল দিয়ে থাকে। আপনার সমস্যা কিংবা মতামত আমার নিঃশুল্ক ফোনে নিশ্চয় পচারন্তু, সময় অপরাহ্ন ৪টা ৫টা আর নম্বরটি হল ১৮০০৪১৯২১৫৫। সময় ইশারা দেলা কার্যক্রমকে এইটি রাখুছু, কালি আউ কিছু নূয় তথ্য নিয়ে আসবু, দেখিবাকু জমারু ভুলিবেনি ঠিক এই সময়ের। বিদায় দিয়ন্তু, নমস্কার।